इन दिनों पहाड़ों में हुई जोरदार बारिश का असर यूपी के कई इलाकों में और नदियों में साफ दिखने लगा है। जहां नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं यूपी के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हो गई है। अगर बात चित्रकूट की करें तो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर शनिवार से बढ़ गया है, जिसकी वजह से रामघाट समेत कई घाटों की कई सीढ़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने नदी का जलस्तर बढ़ने पर आसपास के दुकानदारों को अलर्ट कर दिया है। बता दें कि चित्रकूट में कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसका असर अब देखने को मिलने लगा है। मंदाकिनी नदी में इन दिनों बाढ़ जैसा मंजर दिखने लगा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश के क्षेत्र और प्रमोद वन आरोग्य धाम में नदी पर बने छोटे पुलों के ऊपर भी पानी भर गया है। यूपी और एमपी के प्रशासनिक अधिकारियों ने दुकानदारों को सतर्क रहने की चेतावनी दे दी है। ये सुबह से रात में बारिश बहुत तेज हुई है, तो सुबह से बढ़ना स्टार्ट हुआ, अभी भी अनुमान है कि फिर से बढ़ सकती है। क्या शासन प्रशासन ने क्या यहाँ कुछ शासन प्रशासन की क्या सुविधा आप देख सकते हैं। वही रामघाट के साधु संतों ने कहा है कि देर रात मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश हुई है, जिसके चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। स्थानीय दुकानदार अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर रख रहे हैं। मंदाकिनी के किनारे बैठे पंडितों ने अपनी जगह खाली कर दी है। मंदाकिनी नदी में चलने वाली नाव सभी सीढ़ियों के ऊपर खड़ी है। माँ मंदाकिनी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। भारी बारिश के कारण जो है जलस्तर मंदाकिनी नदी का काफ़ी बढ़ गया है और जलस्तर जो घाट तक ऊपर पानी आ गया है और दुकानों में भी धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, जिससे दुकानदार सभी अपने अपना सामान हटा रहे हैं और शासन प्रशासन भी मुस्तैद है, सभी को सतर्क कर रहे हैं अनाउंसमेंट के माध्यम से और दुकानदार भी अपना सब सामान हटाकर सुरक्षित जगह पहुंच रहे हैं। मंदाकिनी का जलस्तर काफ़ी बढ़ रहा है और अभी काफ़ी बढ़ते ही जा रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने से अब दुकानदार और साधु संतों के बीच रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि दुकानदारों को अपनी दुकानों को समेटना पड़ा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार उनकी कोई मदद करती है या नहीं। वहीं आसपास के इलाके के लोगों को भी अब बाढ़ का खतरा सता रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।